अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल मलिक कोटवाला एंड इंडियन माइनॉरिटी सेवा का प्रेसिडेंट। हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स ने कुछ लोगों से बात की है, तकरीबन 100 लोगों से, कि वोट डालने का तरीका क्या है, उनको जानकारी है या नहीं। हमने देखे कि मुश्किल से 8 से 10% लोगों को ही पता है वोट डालने का सही तरीका। इसलिए हमने ये वीडियो बनाए हैं, आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वोट डालने का तरीका, सही तरीका उनको उन तक पहुंचे हुए। सबसे पहले तो आपको इलेक्शन के दिन जब आपको केंद्र पे जाना है, जहाँ पे आपका पोलिंग बूथ है, तो वहां पे जाने के लिए आपको अपने घर से वो स्लिप लेते हुए जाना है और आपको कोई भी आपका गवर्नमेंट आईडी लेते हुए जाना है साथ में। आपको केंद्र पे पहुंचेंगे तो वहां पे जो स्टाफ बैठे हैं वो आपका नाम वगैरह लिस्ट में चेक करेंगे। चेक करने के बाद उसको टिक मार के आपकी फिंगर के ऊपर इंक लगाया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि मशीन में जाके आप अपना वोट डालिए। ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको वहां पे ये बताया जाएगा कि आपका वोट किसी ने और ने डाल दिया है, आपका वोट ऑलरेडी डाल चुका है, तो आपको उस वोट को चैलेंज करना है। आप उस वोट को चैलेंज करेंगे तो वहां पे पुलिंग एजेंट के पास से आपको 17B का फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को आपको फिलअप करना है। अगर आपको फिलअप करने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वहां के स्टाफ आपको हेल्प करेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। जैसा आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है तो आपको एक मैन्युअल पेपर जो होता है, बैलेट पेपर मैन्युअल, वो आपको दिया जाएगा। उसके ऊपर आपको अपना वोट का थप्पा मारना है और आपको ध्यान रखना है कि वो बैलेट पेपर आपके सामने सील किया जाए। वो बैलेट पेपर जब सील होगा तो उसको हिफाजत से रखा जाएगा और वो बैलेट, इस तरीके के जितने सारे बैलेट पेपर होते हैं वो फिर काउंटिंग के दिन खोले जाते हैं और उसकी भी काउंटिंग होती है। ये प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का। और अगर ऐसा होता है कि आपका ठीक से हो गया है, इंक डालने के बाद आपको कहा जाता है वोट डालने के लिए, आपका कोई हादसा नहीं हुआ है वोट का, आपको वोट डालने की इजाजत दी जाती है, तो किस तरीके से वोट डालना है वो एक वीडियो बहुत अच्छा वायरल हुआ है। वो वीडियो है नदीम गौरी का बनाया हुआ, हमें भी बहुत अच्छा लगा, हम उसका शुक्रिया करते हैं और हम आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं। आप ये वीडियो को देखिए और वो वीडियो देख के आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे किस तरीके से आपको वोट डालना है। अल्लाह हाफिज, शुक्रन। हेलो एवरीवन, मैं नदीम गौरी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिस के ऑफिस में आज है ना डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। तो मैं आप लोग को एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि एक्चुअल वोटिंग प्रोसीजर कैसे होने वाला है। तो ये देखिए, ये एक वोटिंग मशीन है जो सब लोग के पास रहेगी, आप लोग सब इसको देख चुके हैं। और इसके बाद में ये वीवीपैट मशीन होता है। आप लोग जब आपके हाथ में उंगली पे निशान लगा देंगे, वो जो ऑफिसर जो रहेंगे अंदर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर निशान लगा देंगे, उसके बाद में आप है ना एक सेक्शन में जाओगे, कवर्ड एरिया में रहेगा, वहाँ पे आओगे तो वहाँ पे आपको ऐसी मशीन दिखेगी। अगर समझ लो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में 16 कैंडिडेट से ज़्यादा है तो वहाँ पे 2 मशीन रहेगी, और अगर 16 कैंडिडेट्स तक हैं तो 1 मशीन रहेगी। जैसे ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, अंधेरी वेस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट, गोरेगांव, यहाँ पे जो है ना टोटल मिला के 21 कैंडिडेट्स है। तो यहाँ पे 2 मशीन रहने वाली है, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। तो जो याद रखो 16 कैंडिडेट्स के ऊपर रहेगा तो 2 मशीन आएगी। तो जहाँ जो भी दोनों मशीन बाजू में रहेगी उसमें आपको क्या करना है, आपको जिस किसी उम्मीदवार को वोट देना है, अपना वोट देना है, तो आप यहाँ पे उसका सिलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पे ये बटन है, उसके बाद में लाइट है, फिर जो कैंडिडेट खड़ा है उनका सिंबल है और उनका नाम लिखा रहेगा। हाँ, ये सब डमी वोट है, डमी है, तो इसलिए सब है ना इस पर डमी सिंबल्स बने हुए हैं। तो आपको सिर्फ बताने के लिए, तो आपको समझ लो किसी को एक को वोट देना है, तो मैं ये DDD को वोट समझ लो, मैं एग्जांपल प्रेस कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ है ना बटन हल्के से दबा दूँगा, देखो ऐसा दबा के छोड़ दूँगा, यहाँ छोड़ूंगा, वहाँ पर देखो लाइट जल गई और मैं फ़ौरन है ना इधर आ जाऊँगा। उसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ पे वो DD जो मैं दिया ना वो यहाँ पे दिख रहा है, 7 सेकंड तक दिखता रहेगा आपको, अभी आप देखो। उसके बाद में चिट्ठी नीचे ली गई और फिर साउंड की आवाज़ आएगी, मतलब आपका वोट पूरा हो गया। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जो है ना इसको, जो लोग है ना अफवाह फैला रहे कि आप इसको दबा के रखो, जोर से दबा के रखो, दबा ना के रखना नहीं है। जैसे आप एक बार दबा के छोड़े, वहाँ पे लाइट जली, उसके बाद में आपका, आप इधर आके देख लो और आपका वोट, जैसी ये चिट्ठी नीचे गई आपका वोट वहाँ पे मशीन में, कंट्रोलर की मशीन में आवाज़ बजेगी, वो आपको आवाज़ सुनने को आएगी, आपका वोट पूरा हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।